नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, स्टेबलाइजर में हर तरह की सप्लाई होती है, एसी, डीसी और रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड। तो किसी भी हम सप्लाई को अगर हमें किसी सर्किट में रेगुलेटर और अनरेगुलेटेड दोनों सप्लाई अगर चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली, बहुत सिंपली, अच्छी और साधारण सी सर्किट बना सकते हैं। वैसे तो हर सप्लाई में सर्किट, हर स्टेबलाइजर में और हर सप्लाई में अलग अलग प्रकार के वोल्ट के अनुसार सप्लाई होती है स्टेबलाइजर में। लेकिन अगर सिंपली तौर पर देखा जाए कि अगर आपको रेगुलेटर और अनरेगुलेटेड सप्लाई चाहिए, जबकि आप उसके लिए रेगुलेटेड आईसी आती है, जैसे 7812, 7805, ये जो आईसी आती है इसको आप न लगाना चाहते हो, तो सिंपली आप साधारण तौर पर कैसे आप डीसी सप्लाई को रेगुलेटर और अनरेगुलेटेड बना सकते हैं, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो उसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई की कैसे कैसे वर्क होती है और कैसे काम में लिया जाता है। मान के चलिए कि ये आपके एक ट्रांसफार्मर है, जिससे आपको स्टेप अप से स्टेप डाउन करना है। जैसे मान चलिए कि आपके पास ये 018 की ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि इधर प्राइमरी 220 वोल्ट और इधर आपकी 18 वोल्ट सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में हमने एसी करंट दे दिए, अब सेकेंडरी में हमारी एसी 18 वोल्ट निकलेगी। ट्रांसफार्मर कभी भी आपकी डीसी सप्लाई नहीं निकलती है, ये परफेक्ट इसकी नियम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी 018 है, उसके 0 को हम माइनस में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम माइनस को बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एक डायोड लगाकर, जो IN4060 डायोड है, इसको लगाकर हम डीसी करते हैं। तो चूंकि डायोड लगा देने पर यहाँ पर अब सप्लाई हो जाएगी कम, उसको फिल्टर करने के लिए आपको एक कंडेंसर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 220 mmT 50 वोल्ट की कंडेंसर लगाई हुई है, और यहाँ से आपकी अब ये सप्लाई, आपको ये लगभग 20 वोल्ट अनरेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी। जब कंडेंसर लग जाएगी तो ये फिल्टर करके वोल्ट कुछ अधिक बढ़ा देती है, तो यहाँ पर लगभग आपको 20 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। और यहीं से एक आपको अगर रेगुलेटेड सप्लाई बनाना, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, 470 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये लगभग हाफ वाट, एक वाट आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक जीनर डायोड लगाते हैं, जिससे हमारी सप्लाई अस्थिर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीनर डायोड का माइनस पॉइंट माइनस से अर्थ किया गया है, जबकि इसके प्लस जो है वो रेजिस्टेंस के दूसरी छोर पर लग दी गई है, और ये आपकी 12 वोल्ट रेगुलेटेड सप्लाई हो गई। तो ये 20 वोल्ट डीसी सप्लाई है, और ये 12 वोल्ट रेगुलेटेड है, ये अनरेगुलेटेड है। तो इस तरह आप सिंपली तौर पर कहीं भी अपने सर्किट के अनुसार सिंपली रेगुलेटेड सप्लाई बना सकते हैं। वैसे आप इस तरह का आपको एग्जाम्पल मिलता होगा, हम अभी जो प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल किट, उसमें इसी तरह का प्रयोग होता है, और डिजिटल किट में हूबहू इसी टेक्निक का, इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको रेगुलेटेड सप्लाई मिले। हाँ, कुछ उसमें यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह पर 5 वोल्ट लगाई हुई होती है, ताकि आपको 5 वोल्ट सर्किट की मेन प्रोग्रामिंग आईसी की सप्लाई मिले। कहीं कहीं आपको उसके जगह पर ये सर्किट हटाकर इसके जगह पर 7805 की रेगुलेटेड आईसी लगा दी जाती है। वो सिंपली और आसान है, लेकिन वो इसके अपेक्षा कॉस्टली पड़ती है, जबकि ये उसके अपेक्षा सस्ती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।